हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत ने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दर्श दिया। पैगाम करबला है, फतह हमेशा हक और सख्त इंसाफ की होगी। गवर्नर पंजाब अली रहमान का योम अशूर पर पैगाम। निगराम जिला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि वाकई करबला हक और सच की सरबुलंदी की दास्तान है। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन ने बातिल के सामने सर ना झुकाकर दीन इस्लाम को जिंदा रखा। हजरत इमाम हुसैन और उनके रुफका की अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वाकई करबला इक्तदार की जंग नहीं बल्कि हक की सरबुलंदी के लिए शहादत का फैसला था। इमाम हुसैन की शहादत से सबक मिलता है, किसी को हक के साथ खिलवाड़ की इजाज़त नहीं है। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की अमली तफसीर अपनी और अपने जानिसारों की शहादत पेश करके बयान की है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का योम आशूर पर पैगाम। योम आशूर पर लाहौर समेत सुबह भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पंजाब पुलिस के 1,25,000 से जायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। लाहौर में 15,000 से जायद अफसरान और अहलकार मरकजी जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी पर मामूर। जुलूसों में सादा लिबास में कमांडोज, रूट्स पर आने वाली इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात हैं। दसवीं मुहर्रम के मरकजी जुलूस के लिए जामिया ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। 6 डीएसपी, 110 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। 140 पेट्रोलिंग अफसरान, 1390 वार्डन्स भी सिक्योरिटी पर मामूर हैं। सीटीओ मुसनसर फिरोज कहते हैं कि जुलूस के रूट पर कोई गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं आने दी जाएगी। शहरी सिटी ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 15 से रहनुमाई ले सकेंगे। लाहौर एक बार फिर बादलों के निशाने पर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अदरून शहर मिसी शाह चादबाग बारिश, रेलवे स्टेशन लक्ष्मी चौक डेविस रोड माल रोड पर भी बारिश हुई। सब्जाजार समदाबाद इकबाल टाउन में भी बरसे। महकमा मौसमियात की 24 घंटे में वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहर में होने वाली बारिश से निशेबी इलाके जेरे आब आ गए। जीटी रोड, यूईटी और दरोगावाला के इलाके डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी। एमडी वासा गुफरान अहमद का अंदरूने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। अकबरी चौक, निसार हवेली और कोतवाली चौक में निकासीआब का मुआयना किया। एमडी वासा की जलूस के रूट्स पर निकासीआब ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। और चिकन की कीमत में 15 रुपये इजाफा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 560 से बढ़कर 575 रुपये किलो हो गई। अंडे 2 रुपये महंगे, कीमत 274 रुपये दर्जन मुकर्रर।